जो कि ये टॉप एंड वेरिएंट में इसका फीचर है जो कि इसके बेस वेरिएंट में मिल जाता है मतलब वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबल्स गाइस व्हेन आई एम हैशु आज भी बात करने वाले हूं आज शुरू के एस क्रॉस के बेस वेरिएंट के बारे में क्या-क्या इसमें गाड़ी में आता है चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर ऑफ ऑल वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर राहुल सानी द ऑनर ऑफ द टी सानी मोटर्स कोई भी मारुति सुजुकी की अगर आप कार लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनके शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और गए तो सबसे पहले एक बात करें गाड़ी के फ्रंट के बारे में इसके कीज़ देख लेते हैं कीज़ जो है इसके आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी इस सेंटर लॉकिंग वाली कीज़ के अंदर जो है देखने को मिल जाएगी इसके अंदर दो बटन आपको मिलेंगे एक लॉक का बटन एक लॉक का, का बटन आपको मिल जाएगा और इसके अलावा पीछे की साइड आपको सो सके कि ब्रांडिंग इसके अंदर मिल जाएगी तो कीज़ आपको जो है नॉर्मली कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी बाकी फ्रंट से बात करें इसका हुड जो है आपको कुछ इस तरह का काफ़ी ज़्यादा लंबा एक हुड जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा फिर इसकी जो है विंड स्क्रीन वगैरह के बारे में बात करें विंड स्क्रीन का एंगल काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइनिंग आपको जो है देखने को मिल है बाकी हुड वगैरह काफी लंबा मिल जाता है नीचे की साइड देखेंगे शानदार सी आपको क्रोम वाली ग्रिल इसके अंदर जो है देखने को मिल जाती है यहाँ पर मिड में सुजुकी का लोगो मिल जाता है इसके ऊपर सारे में जो है क्रोम एज लगा हुआ है यहाँ पर एक इसकी स्ट्रिप्स जो है जैसे सब पे क्रोम लगा हुआ है बाकी चारों तरफ इसके अंदर जो है ग्रिल को क्रोम ही कवर कर रहा है बाकी इसके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा यहाँ पर लो बीम यहाँ पे हाई बीम कुछ इस तरह के प्रोजेक्टर हैलोजन हैडलैम्प इसके अंदर जो है सेटअप आपको देखने को इस गाड़ी के अंदर जो है मिल जाएगा बाकी मी टू होम लीड मी टू टूपिकल ये सब चीज़ें इस वाले वेरियंट में तो नहीं मिलेगी बाकी यहाँ पर बात करें फॉकलैप का कंपार्टमेंट आपको तो मिल जाता है लेकिन फॉकलैम्प का ऑप्शन इस वाले वेरियंट में आपको नहीं मिलने वाला आप चाहे तो अलग से लगवा सकते हैं बाकी नीचे की साइड ये वाइट और सिल्वर सी क्रीमी क्रीमी सी इसके अंदर स्किट प्लेट मिल जाती है एयर डैम आपको ब्लैक कलर के इसके अंदर जो है मिल जाता है सेम यहाँ पर ही फॉक म का कुछ इस तरह का आपको जो है इस गाड़ी का ऑल एंड ऑल फ्रंट जो है दिखाई देता है सुगैज ये सारी बातें हुई गाड़ी के फ्रंट के बारे में अब चलते हैं गाड़ी के साइड में और बात करते हैं गाड़ी के साइड के बारे में सोच जैसी बात करते हैं गाड़ी की साइड के बारे में गाड़ी की साइड से जो है कुछ इस तरह के देखने को मिलती है फोटी थ्री हंड्रेड के एम एम की लेंथ इसके अंदर मिलती है फिफ्टीन नाइन्टी फाइव एम एम की इसके अंदर जो हाइट जो है आपको देखने को मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस वन एटी एम एम की इसके अंदर जो है मिल जाती है बाकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर मिल जाएगी और एक कॉस ओवर बिल्कुल वाली इसके अंदर फीलिंग जो है आती है बाकी इसके रिम्स की बात करें आपको स्टील रिम्स इसके अंदर मिलते हैं जिसका साइज आपको टू फिफ्टीन बाई सिक्सटी आर सिक्सटीन का इसके अंदर मिलता है ट्यूबलेस टायर्स फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं सो कुछ और बाकी व्हील आर क्लैडिंग

डीएलओ के लिए ये शीशा जो है देखने को मिल जाता है फिर इसके यहां पर जो है नीचे की साइड देखेंगे तो ये वाइट और व्हाइट कलर की जो इसके प्लेट साइड में भी आपको दिखाई देगी एंड उसके अलावा इसके फ्यूल टैंक की बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर जो है आपको फोर्टी लीटर लीटर्स की इसके अंदर मिल जाएगी सुख ऐसी सारी बातें हुई गाड़ी की साइड के बारे में इसके बाद गाड़ी के रियर देखेंगे तो रियर आपको कुछ इस तरह का आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा बाकी क्रॉस ओवर शेप में बिल्कुल ये रियर भी आपको देखने को मिलता है एक अलग सा डिजाइन आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलता है बाकी डीप डन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर सुजुकी का लोगो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है नेक्सा की ब्रांडिंग यहाँ पर जो है देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसके अंदर मिल जाते हैं और बाकी इसके अलावा एंटीना आपको जो है नॉर्मल शेप वाला है ये वाला जो है देखने को मिल जाता है कोई भी डी फोक और वाइप्र नहीं मिलते हैं बाकी टेल लैंप्स इसके कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे पार्किंग लाइट टर्न इंडिकेटर पार्क लाइट और बाकी स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग इसके अंदर यहाँ पर नीचे की साइड आपको जो है देखने को मिलेगी उसके अलावा कैमरा वगैरह को इसके अंदर नहीं मिलता है एसक्रोस की यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी बाकी स्प्लिट टेल लैंप्स इसके अंदर जो है मिल जाएंगे एंड फिर यहाँ पर उसके बाद नीचे की साइड देखेंगे तो आपको फोर आई अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर मिल जाएंगे नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और साथ साथ ये वाइट और क्रीमी जो इसके अंदर स्किड प्लेट है ये भी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी मतलब ये चारों की चारों तरफ आपको जो है देखने को अवेलेबल इसके अंदर मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर बाकी उसके बाद बूट ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर फाइव डोर सेंटर लॉकिंग मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर एक बटन आपको जो है देखने को मिल जाता है इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे गाड़ी की बूट जो है ओपन आप कर सकते हैं बाकी थ्री सेवेंटी फाइव लीटर का इसके अंदर जो है आपको बूट स्पेस मिल जाता है कोई पार्सल ट्रे वगैरह इस वाले वेरियंट में तो आपको जो है नहीं मिलने वाली है बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा स्पेस देखने को जो है मिलेगा यहाँ पर एक हु एंड उसके बाद दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर कोई भी लगेज रूम लैब वगैरह इसके अंदर नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये बेस वेरियंट है यहाँ पर भी एक छोटा सा स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा और बाकी फिर उसके बाद यहाँ पर टूल किट वगैरह ये सब चीजें ऊपर से लग है बाकी मारुति की बात करू तो इसके अंदर कार्डबोर्ड ये जो आप बूट का कार्डबोर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मारती की किसी भी कार में देखेगा आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये लोग लगाते हैं बाकी ह्यूडई में टाटा में मैंने देखा उसमें किसी में भी इतनी अच्छी क्वालिटी का जो है आपको नहीं मिलता है एंड फिर यहाँ पर देखेंगे स्पेयर व्हील आपको जो है यहाँ पर नीचे एक साइड रखा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर जो है जैक रखने की जगह वगैरह भी इसी के अंदर आपको दी हुई है सो सारी बातें हुई गाड़ी की ऑल ओवर बूट के बारे में बूट स्पेस के बारे में एंड उसके बाद फिर इसकी जो है रियर सीट्स देखेंगे तो आपको रियर सीट से कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट्स के अंदर मिल जाएगी फोर्टी परसेंट अलग फोल्ड कर सकते हैं सिक्सटी परसेंट आप अलग से इसके अंदर जो है फोल्ड करते हैं कर सकते हैं मैं आपको एक बार फोल्ड करके जो है दिखा देता हूं तो कुछ इस तरह से आप इसकी जो है सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं अगर आपके लगेज ज्यादा है और आप लोग कम है तो काफी ज्यादा स्पेस आपको इसके अंदर जो है मिल जाता है बाकी इसके अंदर आप छोटा सा बेड भी बना सकते हैं यहां पर अपना सरहना लगा सकते हैं यहां पर पैर वगैरह फैला के आराम लेट भी सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस इसके अंदर जो है हो जाता है एंड फिर उसके अलावा फिर इसकी जो है तो आप भी आपको जो है दोनों के दोनों अंदर रियर वाले भी एडजस्ट बल मिल जाएंगे तो so, कैसे सारी बातें हुई गाड़ी की ऑल ओवर बूट स्पेस के बारे में गाड़ी के रियर के बारे में ऑल ओवर एक्सटीरियर के बारे में अब चलते गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में जैसी बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में ऑल ब्लैक इस गाड़ी का जो है इंटीरियर आपको देखने को मिलता है इनग्रेस और एग्रेस काफी ज्यादा अच्छा जो है देखने को मिल जाता है बल्कि मारुति की सभी कार्स में मैं कहूंगा कि इंग्रेस और एग्रेस मारुति काफी ज़्यादा अच्छा देती है काफ़ी ब्रॉड इसके अंदर इनग्रेस और एग्रेस आपको जो है मिल जाता है एंड उसके बाद बात करें गाड़ी की सीट अपोस्टी के बारे में गाड़ी में सीट अपोस्टी जो है आपको फैब्रिक वाली मिलेगी जिसके ऊपर जो है आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन आपको जो है कुछ इस तरह का जो है देखने को मिल जाएगा बाकी सीट की एडजस्टमेंट की बात करें आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट ही मिलेगी इसके अंदर कोई हाइट एडजस्टमेंट वगैरा का ऑप्शन इस वाले वेरियंट में तो आपको जो है नहीं मिलने वाला है सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर बैठ के जो है इसके बारे में बात करते हैं सो इस अंदर से कार जो है कुछ इस तरह की दिखाई देती है इसमें फीचर्स जो है सारे सारे लगभग लगभग वो मिल जाते हैं आपको जो एक पहले वी एक्स आई वेरेंट में आते थे जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वो इसके अंदर फीचर मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर जो है ज्यादा नहीं मिलते हैं बाकी इसमें जो है मैं अगर डीप डाउन यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर इसका स्टेरिंग व्हील देखेंगे बिल्कुल राउंड शेप का आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है यहाँ पर आपको एक फिनिश मिल जाती है एक डिफरेंट कलर की एंड यहाँ पर जो है लोगो मिल जाता है ऐसा की बैजिंग जो है इसके अंदर मिल जाती है और ये स्टेयरिंग आपको टेंट एडजस्टमेंट के साथ इस वाले वेरिएंट में मिल जाता है इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट अगर आप लेंगे तो उसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन जो है इसके अंदर मिल जाएगा एंड इसके बाद फिर इसकी एम की बात करें एम कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जो आपको स्पीड मिलता है या टेकोमीटर यहाँ पर एक डिजिटल सी स्क्रीन इसके अंदर देखने को मिलती है ये आपको लगभग लगभग बिल्कुल सेम जैसी यही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सियाज में मिलता है बेलिनो में भी मिलता है अर्टिका में मिलता है लगभग वो मारुति की जो कार्स हैं उसमें सब में ही ज़्यादातर ये एम जो है इसके अंदर आती है एंड फिर यहाँ पर अगर इसके इनफर्ट uh, इसके एम के बारे में ही बात करें तो एम में यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकनॉमीज के अंदर मिल जाती है बाकी इससे इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो दे रखी है बाकी एवरेज फ्यूल इकनॉमीज के अंदर मिल जाती है रेंज इसके अंदर मिल जाती है एवरेज स्पीड इसके अंदर मिल जाती है फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं मतलब तो टोटल तो 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 आइडलिंग स्टॉप टाइम जो भी इसके अंदर जो है आ जाता है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ब्राइटनेस लो हो रही है अभी एंड तो ये सब चीजें इसके अंदर जो है मिल जाती है यहाँ पर आपको जो है फ्यूल गेज मिल जाता है या टेम्परेचर गेज मिल जाता है सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह इस साइड में जो है आपको अवेलेबल मिलता जाती है एंड फिर उसके बाद यहां पर अगर देखेंगे तो वेंट्स कुछ इस तरह के आपको जो है देखने को मिलेंगे एंड यहां पर आपको कुछ कुछ ये सिल्वर सराउंडिंग मिल जाएगी ए सी इवेंट की सराउंड यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे आपको जो है इसके अंदर ये टर्न इंडिकेटर और लाइट uh, से जुड़े uh, जो एक नॉब मिल जाएगी यहाँ पर देखेंगे तो आपको वाइपर से जुड़ी एक नॉब जो है इसके अंदर मिल जाएगी नीचे की साइड देखेंगे आपको हेडलाइट लेवलिंग का स्विच मिल जाएगा यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का एक बटन इसके अंदर मिल जाएगा एंड फिर यहाँ पर की लगाने का स्लॉट ऑब्वियसली पर जो है मिल जाएगा यहां पर जो है देखेंगे ऑल पावर विंडोज इस वाले वेरियंट में जो आपको मिल जाती है

आ, एक फैब्रिक अपोस्ट्री में मिलेगा इस सॉफ्ट फैब्रिक अपोस्ट्री में जो आपको मिलेगा यहाँ पर जो है ये फिनिश आपको जो है सारे में एक यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पर भी मिल जाएगी यहाँ पर भी मिल जाएगी और तो साथ ही साथ यहाँ पर सारे में ये आपको जो है देखने को मिलेगी एंड उसके बाद फिर इसके डैशबोर्ड की बात करें यहाँ पर जो है फ्लैट डैशबोर्ड मिलता है इसके अंदर यहाँ पर ट्विटर्स के लिए जगह दे रखी है बट ट्विटर्स नहीं आते हैं ऐसे स्पीकर के लिए यहाँ पर कंपार्टमेंट इसके अंदर बना रखा है बट इसमें जगह जो है सॉरी स्पीकर जो है नहीं आते हैं फिर यहाँ पे आते हैं अगर हम मिडिल कंसोल की तरफ यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह का कंसोल आपको देखने को

यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैनुअल एसी कंट्रोल इसके अंदर मिल जाएगा एंड ट्वेल्व एस सारी सॉकेट इसके अंदर मिल जाएगा यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर इसके गियर नॉब कुछ इस तरह की मिलेगी कोई क्रॉम वगैरह इसके ऊपर नहीं मिलेगी मतलब कोई फैंसी ज़्यादा चीज इसके अंदर नहीं है यहाँ पर भी फिनिश जो है आपको इसके सराउंडिंग मिल जाएगी गियर नॉब और सॉरी आपको पार्किंग ब्रेक यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर जो है टू कप होल्डर टाइप की चीज़ जो है मिल जाएगी यहाँ पर जो है एक और स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर रेयर एसी वेंट होना चाहिए वहाँ पर ये स्पेस आपको मिल जाएगा एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऊपर की साइड ये आपको जो है एक सॉफ्ट लेदर टाइप का जो है देखने को मिलेगा इसके अंदर यहाँ पर एक सॉफ्ट लेदर आपको जो है इसके अंदर दे रखा है इसके डैशबोर्ड के पास है आप इसके ग्लव बॉक्स की बात करेंगे एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स इसके अंदर जो है मिल जाएगा एंड उसके बाद फिर ऊपर की साइड यहाँ पर बात करेंगे डे नाइट आयर भी इसके अंदर जो है एडजस्टेबल मिल जाएगा जो कि आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा सन वाइजर के अंदर आपको वैनिटी मिररर भी इसके अंदर मिल जाएगा जो कि को ड्राइवर साइड वाले मिलेगा यहाँ पर मैप मैपरेडिंग लैम्प आपको जो है मिल जाएंगे एंड इसके बाद फिर यहाँ पर ड्राइवर साइड सनवाइजर में देखेंगे सिर्फ सिर्फ आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन जो है इसके अंदर मिलेगा सो ऑल एंड ऑल ज्यादा कुछ इसके अंदर बताने के लिए नहीं है फ्रंट में बाकी इसकी सीट्स के बारे में एक बार एक बार मैं बताया हूँ सीट अपॉजिस्टली मैंने आपको बता दी जो कि ब्लैक कलर की है आपको इसके अंदर डिजाइन वगैरह भी इसके अंदर दिखा दिया है एंड उसके बाद यहाँ पे इसकी जो है थोड़ी थोड़ी जो है बकेट सीट्स मिल जाती हैं जिनका कंफर्ट आपको ठीक ठाक इसके अंदर जो है मिल जाएगा ज्यादा कुछ नहीं आपको ये नहीं मिलेगी लेकिन हाँ ज्यादा टफ भी यही नहीं है बट ठीक ठाक आपको जो है मिल जाता है बाकी सीट की हाइट की बात करें अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो उस केस में आपको शायद थोड़ा सा इशू आएगा और आपको आगे फ्रंट विजिबिलिटी को लेकर थोड़ा सा आ सकता है बाकी इसमें फ्रंट विजिबिलिटी देखेंगे तो इसके अंदर बोनट जो है कई लोगों को शिकायत होती है दिखता ही नहीं दिखता है। वो काफी अंदर अच्छा जो है दिख जाता है सो so ये सारी बातें इंटीरियर के बारे में अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर बात करते हैं गाड़ी की रियर सीट के बारे में सो so, जब गया हूं मैं कार की रियर सीट पे रियर सीट से फ्रंट के बारे में बात करते हैं एज ऑलवेज तो इसके अंदर जो है आपको एडजस्टेबल दोनों के दोनों इसके अंदर जो है मिल जाते हैं बाकी तीन लोगों के बैठने की जगह आपको आराम से इसके अंदर मिल जाएगी काफी ज्यादा स्पेस इसके अंदर जो है मिल जाता है बाकी हेडरूम वगैरह जो है इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है फ्रंट से देखेंगे आपको ये मैप रेडिंग लैम्प भी इसके अंदर मिल जाएगा एक चीज मिसिंग इसके अंदर जो मेरे को लगी वो है इसके अंदर रियर रिसीवेंट क्योंकि कार थोड़ी सी लंबी है वैसे उसका ए काफी ज्यादा ठीक ठाक इसके अंदर पावरफुल मिल जाता है लेकिन आपको फिर भी एक रियर रिसीवेंट का आजकल ट्रेंड चल रहा है तो

सेफ़्टी के बारे में एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और प्राइस वगैरह देख लेते हैं गाड़ी का क्या होता है सो इसविज ऐसी बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में गाड़ी का इंजन जो है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है यहाँ पर जो आपको इंजन होड इंसुलेशन कुछ इस तरह के देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को जो है इसके अंदर लगी की फिफ्टीन बी स्मार्ट हाइब्रिड इसके अंदर इंजन जो है मिल जाता है यहाँ पर आपको इंजन प्रोटेक्टर वगैरह अंडर बॉडी कवर वगैरह इसके अंदर जो है कुछ नहीं देखने को मिलता है एंड उसके बाद फिर बात करें गाड़ी की पावर के बारे में तो सेवेंटी सेवन किलोमीटर सिक्स थाउंस आर पी एम पर जो है जनरेट करता है बाकी टॉक की बात करें वन थर्टी एट न्यूट्रन मीटर फोर्टी फोर हंड्रेड आर पी एम पर जनरेट करता है एटीन पॉइंट फाइव फाइव ट्रांसमिशन एटीन पॉइंट फोर थ्री ऑटोमेटिक में आपको माइलेज जो है मिल जाएगी फाइव मैनुअल ट्रांसमिशन और फोर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यह गाड़ी आती है सो क्या ये सारी बातें इंजन के बारे में फिर सेफ्टी देखते हैं इसके अंदर डेवलर बैग ए बी स्फी थी डी रिवर्स पार्किंग से सीट बेल्ट रिमाइंडर स्पीड अलर्ट सिस्टम आई फिक्स चाइल्ड सीट एंड क्रेजेस मतलब नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स से कुछ एडवांस नहीं है लेकिन इसके अंदर फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग भी इसने जो है स्कोर किया है उसके प्राइस मैंने जो है आपको एक्शो रूम डेली स्क्रीन पर दे दिया आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं सो सोकाइज आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोनों बटन्स बिल्कुल फ्री हैं, दोनों प्रेस जरूर कीजिएगा थैंक यू सो वेरी मच वॉथिंग दिस वीडियो